अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मावा फिरनी बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और 1 कप मैंने यहाँ पर चावल लिए थे, जिसे मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था। फिर मैंने इसे पीस लिया है, थोड़ा दरदरा मैंने इसे पीसा है। चावलों का पेस्ट हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हम रखेंगे इसे गैस पर हाई फ्लेम पर, और फिर हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। अगर आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो इसमें जो है चावलों में लम्स बन जाएंगे और चावल नीचे लग भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बॉईल है वो आने लगा है। जब बॉईल आने लगे तो इसकी फ्लेम स्लो कर दीजिए। यहाँ पर फिरनी को पकते हुए 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, और शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने शुगर को मिक्स कर दिया है, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट की तो ये मुझे थोड़ी हल्की फीकी लगी, तो फिर मैंने इसमें 3 टेबल स्पून और ऐड कर दी है शुगर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है, और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। तो यहाँ पर मैंने 125 ग्राम मावा लिया है, और इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। मावे से जो टेस्ट आता है ना फिरनी का, बहुत ही लाजवाब आता है, एकदम ये रबड़ी जैसी बन जाती है। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मावे को फिरनी में, जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाए। और यहाँ पर मैंने 5-6 सफ़ेद इलायची ली थी, और उसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद इलायची का पाउडर डाला है फ्रेश कूट कर, और इसे हम गाढ़ा होने तक और पका लेंगे। इसमें मैं 2-3 बूंदें केवड़े एसेंस की भी डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी केसर की कुछ पत्तियाँ, और हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे, और फिर हम ठंडी ठंडी इसे सर्व करेंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे कमेंट्स लाजमी कीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।